एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो आशा, जो कि हर ग्रामीण एरिया में आपको एक मिल जरूर जाएंगी। और अगर आपको आशा बनने की इच्छा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मेरी माताजी स्वयं एक आशा बहू हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि एक आशा बहू की जॉब में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, जॉब आपको कैसे मिलती है और इसके अतिरिक्त कितनी सैलरी होती है, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, फैसिलिटीज़ कौन कौन सी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि आशा बहू होती कौन है। आशा बहू की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि जो ग्रामीण एरिया होते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके ग्रामीण एरिया के लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। मैं अगर अपने स्टेट की बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स में आशा बहुएँ नियुक्त की जाती हैं जिनके ग्रामीण इलाकों तक पहुंचकर वहां की जो महिलाएं हैं जो अवेयर नहीं हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर, डिलीवरी के समय टीकाकरण को लेकर, बच्चों के कौन कौन से प्रॉपर टीके लगने होते हैं, डिलीवरी से पहले महिलाओं का चेकअप कराया जाता है, जांच कराया जाता है, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस ना होने के कारण बच्चों पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब ना हो सके इसलिए आशा बहुओं की नियुक्ति की जाती है। आशा बहू उन्हें बताती हैं कि आपको डिलीवरी से पहले क्या करना है, डिलीवरी के बाद बच्चे की देख रेख किस तरीके से करनी है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सही किस तरीके से करवाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके से हेल्प करती है। डिलीवरी के लगभग 42 दिन तक हफ्ते में एक से दो बार आशा बहू जिनके घर में भी बच्चा हुआ होता है उनके घर आती जाती हैं, बच्चे की देखरेख करती हैं, देखती हैं बच्चा सही है या नहीं है, प्रॉपर बच्चे का वजन घटा या बढ़ा, उनको नापना तोलना, बहुत सारे काम करने होते हैं एक आशा बहू को। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर बच्चे के जन्म होने के एक से डेढ़ महीने तक आशा बहू को बच्चे को देखना होता है। इसके अतिरिक्त जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भरपूर पोषण मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो क्या खा रही हैं क्या नहीं खा रही हैं, उनको जो दवाइयाँ लेनी चाहिए गर्भावस्था में क्या वो ले पा रही हैं, उनका ब्लड कितना है, कितने पॉइंट है, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें भी एक आशा बहू के अंडर में आती हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो समय समय पर टीकाकरण करवाया जाता है ग्रामीण इलाकों में, जिसके लिए NM दीदी आती हैं और वो सुई लगाती हैं। जो भी नवजात शिशु होते हैं, 5 साल तक के बच्चे होते हैं, खसरा वगैरह जो भी टीके लगने होते हैं, इसके अतिरिक्त जो भी ग्रामीण इलाकों में जाकर, मतलब NM दीदी आ गई वो अब घूम घूम कर टीका तो नहीं लगाएंगी, तो एक जगह वो बैठ जाएंगी, सपोज दैट गाँव के पंचायत भवन में बैठ गई हैं या फिर वो किसी स्कूल में बैठ गई हैं गाँव की, तो अब आशा बहू का काम ये होता है कि वो पूरे गांव में जाकर महिलाओं को ये बताए कि हाँ आज टीकाकरण है, आपको अगर टीका लगना है या आपके बच्चों को टीका लगना है तो आप अवश्य पहुंचे। इसके अतिरिक्त जो पोलियो पिलाने का काम होता है, पोलियो कार्यक्रम हमारे भारत में चलता है, तो भारत पोलियो मुक्त है लगभग, पर फिर भी कभी कभी पोलियो का कैंपेन होता है और पोलियो पिलाया जाता है, तो वैसे में भी जो पोलियो पिलाने का काम होता है वो आशा बहू साथ में करवाती हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे सर्वे होते हैं, जन्म और मृत्यु की जो जनसंख्या की रजिस्टर होती है उनको मेंटेन करने का काम आशा बहुओं का होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सर्वेस होते हैं, इन सर्वे को करने का काम आशा बहुओं का होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पद होता है जो बहुत खतरनाक तरीके से बिजी रहता है। मैं अपनी माता जी को देखता हूँ स्वयं, रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, वो लिखा करती हैं रजिस्टर में, लिखा करती हैं, उनके चश्मा लगा हुआ है इसी कारण से। ओके, तो आप ये समझ गए कि आशा बहू का काम क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस पद के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, पर नॉर्मली 20 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र इस पद के लिए निर्धारित की गई है। यदि आप ग्रामीण इलाके में बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 8th क्लास पास होनी चाहिए, और अगर आप शहरी इलाके में बनना चाहती हैं तो आप हाई स्कूल पास होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको ये भी देखना होता है कि आप जिस गाँव से आवेदन करने जा रही हैं उस गाँव से ऑलरेडी तो कोई नहीं है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पूरी ग्राम सभा है जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस पार्ट का आधा काम कोई और संभाले और आधा काम कोई और संभाले, तो एक ग्राम सभा के अंदर कई बार दो आशा भी होती हैं, तो आपको ये भी देखना होता है कि आपके ग्राम सभा के अंदर अगर कोई ऑलरेडी है तो दूसरे की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, और ये आपके ब्लॉक का जो हॉस्पिटल होगा वहाँ से आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करती हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और उस इंटरव्यू में अगर आप पास होती हैं तभी आपको आशा वर्कर बनाया जाएगा, और आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू बिना नहीं चलता है, तो थोड़ा बहुत कैपिटल मुझे लग रहा है कि आपको देना पड़ेगा।
क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले मेरी माता जी की ज्वाइनिंग हुई थी और उस टाइम भी ये चलता था, तो आज क्यों नहीं चल रहा होगा। और अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे कि एक आशा वर्कर को सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा 20,000, 21,000, 30,000, पर मैं रियलिटी आपको बताता हूँ। आपको डिलीवरी को पूरा करवाने तक, मतलब जब महिला गर्भवती होती है वहाँ से देखते हुए जब बच्चा बिल्कुल आ जाता है, 1.5 महीने का हो जाता है, तब तक देखरेख करनी होती है, जिसके बदले में आपको 600 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटे मोटे सर्वे होते हैं इनके 2,000-3,000 ऐसे रहते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप पोलियो की ड्यूटी करते हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर आप पोलियो की ड्यूटी करते हैं तो आपको पूरे दिन धूप में मरने के बाद 75 रुपये दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब मुझे नहीं पता कि पीछे से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आगे कम दिया जा रहा है या फिर पीछे से ही 75 आ रहे हैं, पर मुझे लगता है सरकार को एक बार शर्म आनी चाहिए कि 75 रुपये दिए जाते हैं पूरा दिन धूप में पोलियो पिलाने के बाद। इसके अतिरिक्त जो मीटिंग होते हैं उनमें जाने के 100 रुपये रहते हैं और टीकाकरण वगैरह के 100 से 150 रुपये तक समथिंग रहते हैं। और अगर एक मंथली सैलरी की बात करें तो अगर आप प्रॉपर सारे सर्वेस करके देते हैं तो 2,000 से 3,000 रुपये लगभग रहता है। और ये 2,000 से 3,000 के अतिरिक्त जो आपके डिलीवरीज होते हैं या फिर टीकाकरण हुआ, इन सबको मिलाकर अगर टोटल ओवरऑल हम बात करें तो 6,000 से 7,000 रुपये, हम मैक्सिमम 6,000 से 7,000 रुपये मान के रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की एक्सपेक्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और शायद ये रियलिटी आपको कोई और बताए। स्टिल अगर आप एक आशा वर्कर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता करना पड़ेगा आपके ग्राम सभा में रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ब्लॉक स्तर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो के किस प्रकार से आप एक आशा वर्कर बन सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।